एक लड़का अपने बाप के हमरा पहाड़ों के दरमियान चल रहा था। अचानक वो लड़का अपना तवाजुन बरकरार ना रख सका और गिर पड़ा। उसे चोट लगी तो बेसाख्ता उसके हलक से एक जोरदार चीख निकल गई। उस लड़के की हैरत की इंतहा ना रही जब उसे पहाड़ों के दरमियान किसी जगह से यही आवाज दोबारा सुनाई दी। तजस्सुस से वो लड़का जोर से चीख पड़ा, तुम कौन हो? उसे जवाब में वही आवाज सुनाई दी, तुम कौन हो? इस जवाब पर उसे गुस्सा आ गया और वो दोबारा चीखते हुए बोला, बुज़दिल। उसे जवाब मिला, बुज़दिल। तब उस लड़के ने अपने बाप की तरफ देखा और पूछा, बाबा ये सब क्या हो रहा है? उसका बाप मुस्कुरा दिया और बोला, मेरे बेटे अब ध्यान से ये आवाज सुनो। फिर बाप ने पहाड़ों की सिमत देखते हुए सदा लगाई, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। आवाज ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। वो दोबारा चीख कर बोला, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आवाज ने जवाब दिया, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। लड़का हैरान रह गया, लेकिन उसकी समझ में कुछ ना आया कि ये क्या हो रहा है। तब बाप ने उसे समझाया, लोग इसे बाजगश कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये जिंदगी है। ये तुम्हें हर वो चीज लौटा देती है जो तुम कहते या करते हो। हमारी जिंदगी हमारा ही अक्स होती है। अगर तुम दुनिया में ज्यादा प्यार चाहते हो तो अपने दिल में भी ज्यादा प्यार पैदा करो। अगर तुम इज्जत चाहते हो तो दूसरों को इज्जत दो। तुम्हारी जिंदगी कोई इत्तफाक नहीं, ये तुम्हारा ही अक्स है। अगर आप भी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों को खुशियां देना सीखें। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।